question Walk, sir. Hey, Rahul walk. दो बजे से मुलगी इथे जवळजवळ 2.5-3 वर्ष झाले राहती. आमच्या समवेत ती रोज सकाळी उठून तिचे कपडे धुणे आणि एक असंच ह्याला कॉल सेंटरला कामाला जाती. त्यान संध्याकाळी येते तिचं सर्व काही इथं व्यवस्थित चाललं होतं. आता 2-3 वर्षापासून आम्ही पाहतो ती सकाळी काम करते, संध्याकाळी येते. इथंच तिचं शेजारी खातं आहे, आम्ही शेजारचे लोक आहोत तिच्याबरोबर. आणि आज अचानक काय झालं हे माहीत नाही, मी पण नव्हते, मला बरं नसल्यामुळं दुपारी मी पाहिलं तर हे सामान बाहेर पडलेलं. आणि नंतर माझे हे निदर्शनात आलं, हे काय झालं विचारल्यानंतर असं असं सामान काढून फेकलं गेलेले, बाकीचं काय माहीत नाही म्हणे. आपलं नाव आहे रेखा मोगनराज मुदलियार. मैं मुदलियार की बेटी हूँ. मेरा शादी हुआ है पर मेरे हस्बैंड गुजर गए, तो इसीलिए मैं मेरे पापा के पास रहती हूँ. 2.5 साल हुआ है पर उन्होंने दूसरा शादी किया है. उनको 2 बच्चे, उसका नाम पूजा है और विजय और गुड्डू उनका नाम है. तो उन्होंने क्या किया, पहले मेरे मम्मी को यहाँ से हकाला मार के, 22-23 साल हुआ मेरे मम्मी को यहाँ से मार के हकाला उन्होंने. तो मम्मी ने केस किया है. तो 22 साल से हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी, कोई भी वकील नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर रहे थे. बाद में उसके बाद में हमने महिला मंडल के पास गए और वहां से हम लोग ने कंप्लेंट करके, हमने घर उसने बनाया है तो हमने यहाँ पर आए. तो वहां से हमको कोर्ट से ऑर्डर मिला कि मम्मी नहीं रहना चाहिए, हम ही रहना चाहिए. तो इसीलिए मैं रहती थी यहाँ पर. और फिर भी मेरे पापा क्या करते थे, हर वक्त रात में 12 बजे 1 बजे आके चिल्ला पुकार करके मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते थे, हमेशा बाहर ही निकालते थे. वो हमको यहाँ पर नहीं रहने को बोलते. मेरा शादी हुआ है, मेरे हस्बैंड नहीं है, वो गुजर गए, मुझे 3 साल की लड़की है. हमेशा वो ऐसा ही करते, हमेशा कोई ना कोई गाली देते. वो औरत गाली देती है, हमको बाहर निकालती है. और कोर्ट में उसने बोला है कि मैंने शादी नहीं किया है, वो सिर्फ मेरी काम वाली बाई है, उसको बच्चे भी नहीं है, वो बोलता है. लेकिन उसको 2 बच्चे हैं और उसको बीबी भी है, फिर भी वो झूठ बोलता है कि नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है, मेरे को बीबी नहीं है करके बोलता है. और मैं आज जब सुबह काम पे गई थी तो 12 बजे ऐसा मेरे पूरा सामान उसने निकाल के बाहर फेंका. जब उसके बाद में मैं यहाँ पर आई, मेरा सामान देख रही हूँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया. पुलिस वाले बोल रहे कि हम आपका अर्जी नहीं ले सकते, हम आपका कंप्लेंट नहीं लेंगे. उन्होंने हमारा कोई भी कंप्लेंट लिया नहीं. अभी रात के 11:30 बज गया है, अभी तक मैं बाहर ही हूँ, मेरा सामान भी पूरा का पूरा बाहर ही है, पर कोई भी पुलिस वाले मेरा अर्जी अभी तक ले रहे ही नहीं है. सिर्फ यहाँ से वह भागमतोड़ कर रही हूँ, शास्त्री नगर जा रही हूँ, यहाँ पर जा रही हूँ, मेरा बच्चा भी वहाँ पर है, रो रहा है बहुत. मैं भी यहाँ पर बाहर अभी तक बाहर ही रुकी हूँ, पर कोई भी मदद करने के लिए हमारा कोई भी नहीं आ रहा है, और ना ही हमारे पापा है. और वो 2 जो बच्चे लोग है उन लोगों को बाजू वाले के घर में रखा है, घर ताला मारा है, और वहाँ पर झूठ बोलता है कि हम लोग यहाँ पर जबरदस्ती से घुसे. पर मैं यहाँ पर 2.5 साल से रह रही हूँ, और वो बोलता है कि मैं आज ही आके यहाँ पर घुसी हूँ, पर मैं यहाँ पर आज नहीं आई हूँ. मेरा 2.5 साल से मेरा खाता भी खुला है यहाँ पर, मैं यहाँ पर से राशन भी लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ. मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, उनको कोई काम करने को नहीं होता है, उनका 4 वॉल खराब है उनका. वो हमको फिर भी कैसे कैसे करके हमको इस मुकाम तक पहुँचाई है उसने. फिर भी ये हमारे पापा हमारा साथ नहीं दे रहे. हमारे को जो छत है वो छत भी हमारे पास से ले रहे, पूरा का पूरा सामान निकाल के वो बाहर डाल रहे. हम कहाँ पर जाएंगे, किसके पास हम बोलेंगे? मेरी मम्मी आज है कल नहीं है, उनको कुछ हुआ तो हमको कोई भी नहीं है. जो पापा है वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरी छोटी बेबी है, मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे घर को कोई भी नहीं है. और इतना तक का मेरे पापा ने ही मुझे शादी करा के दिया है.
फिर भी वो मुझे साथ नहीं दे रहे और उल्टा मुझे कोर्ट में बुला बुला के रुकाते, बार बार पुलिस चौकी में रात दिन वहाँ पर ही बिठाते पूरा सामान। ये 3-4 बार हुआ है, पहले दफा भी पूरा मेरा सामान मैं मेहनत से पूरा खरीदी, पूरा सामान, कबर्ड, फ्रिज, टीवी सब कुछ तोड़ा था, फिर भी पुलिस वाले ने कोई कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया है, पूरा का पूरा मेरा सामान पूरा निकाल के बाहर डाल, मैं जितना भी मेहनत। उनके माँ का जो केस है वो कौटुंबिक न्यायालय में पुणे यहाँ पे दर्ज है, जहाँ उनके माँ से कहा गया है कि वो घर में ना जाए जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं मिलता। इस लड़की को घर से निकलने का कोई भी आदेश कोई भी कोर्ट ने दिया नहीं है, लेकिन मिस्टर मोगनराज मुदलियार ने एपीआई सिंगाड़े साहब को यह आके बताया है कि ऐसा ऑर्डर है कि इस बच्चे को निकालना वहां से, और अभी तक कोई भी स्पॉट पंचनामा वगैरह हुआ नहीं है। और अभी यहाँ पे 12-5 को आने के बाद लड़की को समझ पत्र दिया गया है कि तुमको क्या बोलना है अभी बोलो। वो 1:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक यहाँ बैठी थी, लेकिन उनका कुछ स्टेटमेंट लिया नहीं गया। और 12:10 को समझ पत्र 12:05 को मिला, यानी कि 30 तारीख सुबह, और 12:10 को उन्होंने कंप्लेंट लिखा है। और अब वो लड़की को पूरी रात अपने सामान के पास सोना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा।